मेरी वीडियो नచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ నొక్కండి హలో స్టూడెంట్ బయాలజీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ మే aapka hardik swagat hai aaj main intermediate कक्षा 12 के जीव विज्ञान के छात्रों के लिए 2009 से लेकर 2018 तक पूछे गए अति महत्वपूर्ण कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के विषय में जानकारी दे रहा हूं तो यह प्रश्न है स्टूडेंट फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने खोज की रूपांतरण की निम्न में समारंभ कोडान है ए यू जी डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे कार्नवर्ग मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन अमोनिया तथा मीथेन का अनुपात होता है दो अनुपात एक अनुपात दो विभिन्न एक समान अंगों से होती है किंतु इनके कार्य अलग अलग हैं तो ये कीटों के मुख्य उपांग समजातता के उदाहरण हैं पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक हैं अर्नेस्ट हेकल जिन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया आंटोजेनी रिपीट्स फिलोजेनी प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था डच बॉटनिस्ट ह्यूगो डिब्रिज ने आधुनिक मानव का निकट संबंधी है चिंपैंजी मलेरिया रोग होता है प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम प्लाज्मोडियम ओवेल आदि के द्वारा एडीज एजिप्टाई वाहक है डेंगू बुखार का निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा फैलता है ट्रिपेनोसोमा कैंसर रोग के कारक को कहते हैं कार्सिनोजेंस। एंटीबॉडीज होती है प्रोटीन अफीम से प्राप्त मार्फीन है एल्केलाइड मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में जैव प्रबलता का उदाहरण है गोल्डन चावल प्रतिबंधन एंजाइम की खोज की स्मिथ एवं ने साटगन विधि का प्रयोग होता है जीन पुंजिकरण के लिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं स्टूडेंट जीव विज्ञान कक्षा बारह के विद्यार्थियों के लिए जो 2009 से 2018 तक इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं आप इसे तैयार कर निश्चित रूप से जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र को बहुत ही अच्छी तरह हल करके अधिकाधिक नंबर आप अर्जित कर सकते हैं तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें धन्यवाद